अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और थंबनेल बिल्कुल आपने सही देखा है, हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि थंबनेल लगा हुआ है। आपने बिल्कुल सही वीडियो देखी है, असलम खान जो है वीडियो में। तो मैं भी इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि असलम खान घर है कि नहीं है। यही आज मैं आपको सच बताऊँगा, असलम खान घर में है या नहीं है, क्या बात हुई और क्या हुआ। तो असल में असलम खान जो है अभी इसी वक्त घर में नहीं है। वो क्यों नहीं है? उसी वक्त था जब आप ये बता रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं अकरम खान की वीडियो में, 8 मिनट और पता नहीं कितने सेकंड पर बोल रहे हैं कि ये ना वीडियो में है असलम खान। तो उसी वक्त असलम खान था वीडियो में, लेकिन उसी दिन रात में, जब उसी दिन रात हुई ना, तो रात में जब सब सो गए थे तो उसी वक्त गया असलम खान। ये मैं आपको बता दूं। और ये नहीं कि आप बोल रहे हैं असलम खान घर है तो आप ईद आ गई है और पैसे कमाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। और आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ हैं, मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप ना इन मामू वालों के साथ मिले हुए हैं, ये आपको धोखा देंगे। मुझे किस बात का धोखा देंगे आप बताएं? क्या उन्होंने मेरी ज़मीन ले रखी है? उन्होंने मेरी ज़मीन ले रखी है क्या, जो मुझे वापस नहीं करेंगे? जा उन्होंने कुछ मुझसे लिया हुआ है, मोबाइल मेरा या ऐसी कुछ चीज़ ली हुई है जो मुझे से ले के भाग जाएंगे, धोखा देंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है, धोखा दें। वैसे लिए भी रखी हो तो मेरे को नहीं, मेरे को लगता है कि नहीं धोखा देंगे, क्योंकि मामू है मेरे खास के, मुझे पता होगा। आप ऐसे उन्हें वीडियो में देख लेते हैं तो आप नहीं पता लगा सकते कि इनका कैसा माइंड है। तो मामू है मेरे असल में, तो मुझे पता है कि वो कैसे हैं। तो इसलिए आप ऐसे कमेंट्स ना करें। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो मुझे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ासकर एक आईडी है जो कि मुझे बताती है, वो सिस्टर है, वो मुझे बताती है कि ये आपकी बात गलत नहीं है, ये आप ओ सॉरी ये आपकी बात गलत है, आप ऐसा नहीं ऐसा बोला करें। तो बिल्कुल ठीक है सिस्टर जी, मैं बोलूँगा। और प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में एक दूसरे को रिप्लाई नहीं किया करें, ठीक है? कमेंट्स जैसा कि उस सिस्टर ने कमेंट्स किया था, तो उसमें दूसरी सिस्टर ने जाके बोला है कुछ, उसने कमेंट्स किया था तो दूसरी सिस्टर में मेरे ख्याल में बोला है कि ये हमारा काम है, हम जैसे भी करें आप इसमें कोई भी बात ना करें। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ना बोला करें एक दूसरे को, और रिप्लाई कमेंट्स में बिल्कुल नहीं किया करें। कोई काम की बात हो तो कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, तो एक दूसरे से बातें भी किया करें, कमेंट्स में कोई रोक टोक नहीं है। और एक दूसरे को, हाँ एक और बात, एक दूसरे को बुलाया भी करें अपने चैनल पर, ऐसे बोला करें मैंने आपको गिफ्ट डन कर दिया है और आप भी हमारे घर जरूर हैं, तो ऐसे बोला करें। यही कामयाबी है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप मेहनत का फल, वो जैसे बोलते हैं ना मीठा होता है, तो बिल्कुल सही बात बोलते हैं लोग। तो मैं भी यही कुछ बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसे जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं यही कुछ करता हूँ, मैं सारा दिन यही कुछ करता रहता हूँ। एक बंदे की वीडियो वॉच की फुल, फिर उसको बोलता हूँ कि 24 घंटे बाद मुझे रिटर्न करें, क्योंकि उससे ये होता है 24 घंटे बाद अगर रिटर्न करें उससे ये होता है कि ड्रॉप नहीं होता सब्सक्राइबर, जो उसी टाइम कर देना उसको, मैंने मतलब किसी आईडी को सब्सक्राइब किया है तो वो उसी टाइम आए मेरे पास और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, तो दोनों से ना सब्सक्राइब ड्रॉप हो जाता है, उससे भी गायब हो जाता है उससे भी। तो इसलिए 24 घंटे बाद एक दूसरे को रिटर्न करें। और असलम खान की बात की जाए जाए तो असलम खान घर पे नहीं है, सच बता रहे हैं सब लोग और हम भी सच बता रहे हैं। और मैं देखें इतना सा हूँ, इसलिए लोग मुझे बहुत से बोल रहे हैं कि आप इतने से हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं,
थैंक यू। जो लोग बोल रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं आप ये मामू के साथ मिले हुए हैं, तो प्लीज़ कुछ ख्याल करें मेरा, ठीक है। तो इसी के साथ ये मेरा छोटा सा क्लिप और छोटा सा मैसेज हो गया ख़त्म। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपको बता दूं कि असलम खान जो है घर पे नहीं है, सच बता रहे हैं हम लोग। और उसी के साथ मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है जो कि आप बोल रहे हैं, तो ये भी टाइम भी बता दिया है कि इस टाइम को असलम खान गया था, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं ये फ्रिज वाले क्लिप में है, बताया भी है लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, किसी बंदे ने वीडियो नहीं देखी होगी तो आज मैंने बता दिया है आप लोगों को, कोई बात नहीं। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा मैसेज जो है हो गया पूरा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, हाँ व्लॉग होगा नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।